Hello everyone, my name is Rama Sreedai. Welcome at GK Rajasthan YouTube channel. तो गाइज आज के इस वीडियोज में मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, जिसमें कुछ स्पेलिंग होगा, कुछ टेंस होगा, कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। तो एक एक क्वेश्चन को आप देखेंगे इसमें क्या है, स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग। आपको इसमें बताना है करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, ठीक है? कम ऑन, आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो आप देखिए, डेनाउमेंट की स्पेलिंग आपको बताना है, तो राइट स्पेलिंग क्या होगी पहले आप कोशिश करिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूं। कम ऑन एवरीबॉडी, डेनाउमेंट की स्पेलिंग क्या होगी? तो देखिए, जो राइट स्पेलिंग होगी वो DENOUEMENT, डेनाउमेंट, राइट। अब आप देख लीजिए, जो डेनाउमेंट का अर्थ होता है, पंखा बंद कर दीजिए, डेनाउमेंट का अर्थ होता है, देखिए द करेक्ट स्पेलिंग इज डेनाउमेंट, विच मीन्स द होता है फाइनल रेजोल्यूशन। जब कोई प्ले वगैरह आप पढ़ते हैं तो जो फाइनल रेजोल्यूशन होता है, जो फाइनल उसका रिजल्ट होता है, उसे ही हम डेनाउमेंट कहते हैं, ठीक है? तो देखिए, ये डेनाउमेंट की बहुत अच्छे ढंग से परिभाषा भी दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। कैन यू यूनाइट वन ऑफ दीज इन केस यू कैन दी, देन यू आर कैपेबल ऑफ रीचिंग अ डेनाउमेंट, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है इस करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एड्रेस, एड्रेस की आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। कम ऑन एवरीबॉडी, बताइए फटाफट, आपको एड्रेस की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। कम ऑन एवरीबॉडी, तो ध्यान दीजिएगा, जो एड्रेस की करेक्ट स्पेलिंग होगी वो ए होगी। ठीक, क्या होता है ADDRES, एड्रेस, ठीक है? एक होता है एड्रेस, एक होता है एड्रेस, स्पेलिंग यही रहता है। जब हम एड्रेस कहते हैं तब ये क्या हो जाता है, पता हो जाता है, और जब हम कहते हैं एड्रेस, एड्रेस तो होता है संबोधित करना, जैसे द प्राइम मिनिस्टर इज अड्रेसिंग द पीपल। प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर इज addressing the people, right? आप इसको और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, देखिए लिखा भी है, right? Address. अब इसको आप अगर बोल के प्रैक्टिस कर लोगे तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। Can you tell me your address? What is your address? बेटे बोलो मेरे साथ, प्रैक्टिस करो और कमेंट में लिख करके इसका आंसर भी दो, बोलो एड्रेस और एड्रेस। देखो, जब आपको एड्रेस बोलना है तो स्ट्रेस यहां देना है, राइट, एड्रेस और एड्रेस, और अगर डी पर आप जोड़ देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा संबोधित करना, संबोधित करना, राइट, संबोधित करना। जैसे द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द चीफ मिनिस्टर इज एड्रेसिंग द पीपल, राइट बेटे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आप बताएं कि इसमें आपको बताना है फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें चार वर्ड दिया गया है और इसमें एक ही वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है। सो गाइज, आप प्रयास करिए, फिर फाइनली आई विल टेल यू द राइट आंसर। क्या होगा? एलेक्सियर होगा। क्या होगा? एलेक्सियर, है ना? ELIXIR, ELI, मेरे साथ बोलिए, ELIXIR, ELIXIR, एलेक्सियर, राइट। एलेक्सियर की मीनिंग क्या होती है आप देख लीजिए, राइट, द करेक्ट स्पेलिंग इज एलेक्सियर, विच मींस क्या होता है, है ना, क्वेंटेसेंस आर एब्सोल्यूट एम्बॉडीमेंट ऑफ एनीथिंग, किसी चीज के प्रतीक को ही। देखिए, एक लोगो भी है, किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक लोगो भी है, एलेक्सियर, ELIXIR, ELIXIR, एलेक्सियर। याद रखिएगा, ऐसे वर्ड अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, फाइंड आउट द मिसस्पेल्ड वर्ड। इसमें देखिए, तीन चार वर्ड हैं, जिसमें एक वर्ड जो है मिसस्पेल्ड है, क्या है, गलत है, स्पेलिंग उसकी गलत है। कम ऑन एवरीबॉडी, बताइए कौन सी गलत है, फटाफट बताइए, आई एम वेटिंग योर आंसर, कमेंट करिए फटाफट जल्दी जल्दी, किसकी स्पेलिंग इसमें गलत है। कमांड बेटे, फटाफट, डोंट हेजिटेट,
बिल्कुल आप ये मत समझिए कि ये प्रीमियर की वीडियो है तो मुझे क्या मतलब है कमेंट करने से, नहीं, मैं इन सारे वीडियोस को भी बैठ के अच्छे से देखता हूँ और आपके कमेंट्स का रिस्पॉन्स भी करता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चे आपको स्पेलिंग गलत मिलेगी डायलेमा की। तो डायलेमा की स्पेलिंग क्या होती है बेटे, देखिए याद दीजिएगा, डी आई एल ई डबल एम ए, राइट। क्या स्पेलिंग होगी, कम से कम 5 बार इस स्पेलिंग को लिख के तुरंत सेंड करिए कमेंट बॉक्स में, आप 4 बार इस स्पेलिंग को लिखिए तभी मैं मानूंगा कि आप वास्तविकता में हार्ड वर्क करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो ही तो मैं आराम से इसकी स्पेलिंग चेक करूंगा, देखूंगा आपने कितना एफर्ट किया, कितना मेहनत किया, राइट। तो देखो फिर से आप लिखो डी आई एल ई डबल एम ए, डी आई एल ई डबल एम ए, फिर से लिखिए, कम से कम 3 से 4 बार लिखेंगे डी आई एल ई डबल एम ए, डायलेमा, माँ मतलब डबल यम आएगा, आपको यही याद करना है। तो ठीक है, जब भी आई डी आई एल ई आ गया तो याद रखना है कि डबल यम में जरूर आएगा डायलेमा। ये स्पेलिंग कम से कम 50 बार 20 बार तो मिनिमम है ना एग्जाम्स में पूछा गया है, मिनिमम बता रहा हूं, बाकी के सारे एग्जाम्स में आपको इधर दाएं बाएं करके ये स्पेलिंग पूछी जाती है, डी आई एल ई डबल एम ए, डी आई एल ई डबल एम ए, डायलेमा। Are you in dilemma? Yes, I'm in dilemma. ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, अच्छे से देखिएगा। देखिए मिस स्पेल्ड वर्ड इज dilemma, करेक्ट स्पेल्ड क्या है, डी आई एल ई डबल एम ए। अब dilemma का मतलब क्या होता है बेटे, आप ये भी जान लो। तो dilemma का मतलब होता है कंफ्यूजन, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं किधर जाऊं। लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं, आपके भी लाइफ में बेटे जरूर आए होंगे। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी ना एक लाइन है कि ये मन है, ये जिंदगी मुझको किस मोड़ पर लाई, राइट। देखिए ये जिंदगी मुझको किस मोड़ पर लाई, एक ओर है दरिया तो दूजे ओर है खाई। ये जिंदगी मुझको किस मोड़ पर लाई, एक ओर है दरिया एक ओर है खाई। तो इसे डायलेमा बोलते हैं, परप्लेक्स्ड सिचुएशन बोलते हैं, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, Where to go, where not to go। कभी भी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आते हैं ना, किसको छोड़ूं, किसको पकड़ूं, एक को मनाऊं तो एक रूठ जाता है, लाइफ में ऐसे भी सिचुएशन आते हैं जिसे बोलते हैं डायलेमा। डायलेमा मतलब होता है परप्लेक्स्ड हो जाना, किधर जाऊं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, बड़े मुश्किल में हूं कि किधर जाऊं, राइट। तो डायलेमा की स्पेलिंग आप 5 बार लिख के सेंड करिए। अब आपको बताना है कि पिक आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड अमंग द फॉलोइंग। प्लैटिट्यूड की स्पेलिंग आपको बताना है, प्लैटिट्यूड, कम ऑन एवरीबॉडी, आप कमेंट करके बताइए फटाफट प्लैटिट्यूड स्पेलिंग कौन सही है। तो राइट आंसर विल बी डी। तो क्या स्पेलिंग होगा, प्लैटिट्यूडी, प्लैटिट्यूड। अब प्लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है आप देख लीजिए, आपको प्लैटिट्यूड मिल भी गया वर्ड, देखिए बहुत अच्छे ढंग से। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा आपका, प्लैटिट्यूड। प्लैटिट्यूड का मीनिंग भी बच्चे स्पेलिंग के साथ साथ अगर जान लोगे बहुत अच्छा रहेगा। तो प्लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, फ्लैट, फ्लैट, जैसे ना फ्लैट पड़ गए, कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, फ्लैट में जाके फ्लैट पड़ गए, अरे यार याद हो गया है ना, फ्लैट में जाके फ्लैट हो गए, ठीक। डल, आर यू डल, इज डल, डोंट बी डल, आप डल मत हुई, ठीक है। और राइट रिमार्क भी होता है। तो प्लैटिट्यूड देखिए ये भी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन, देखिए इस वर्ड का भी है, आप और बड़ा करके अच्छे से देख सकते हैं। देखिए प्लैटिट्यूड की मीनिंग भी है, आप लिख सकते हैं फ्लैट, डल, राइट, रिमार्क, स्पेशली वन अटर्ड एज इफ इट वर फ्रेश आर है ना प्रोफाउंड। तो इस वर्ड को भी आप वीडियो को पॉज करके बेटे आराम से वर्ड को लिख, कॉन्टिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटे। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक दिन क्लास में मैं आ रहा हूं तो मैं जरूर आपकी सेवा के लिए कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर दे करके जाऊं, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा आप एफर्ट करेंगे उतना ज्यादा आप चीजें लर्न करेंगे। तो वर्ड को प्लैटिट्यूड की मीनिंग भी हम लोगों ने जान लिया और स्पेलिंग भी जान लिया। जब भी किसी वर्ड को आप लर्न करते हैं तो उसकी मीनिंग भी और उसकी है ना एक्सप्लेनेशन भी जानना जरूरी है, साथ में एक्सप्लेनेशन। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें क्या है, ही राइड्स बाइसाइकिल,
तो बताइए इसमें क्या आप भरेंगे जिससे आपका सेंटेंस एकदम सही हो जाए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ही राइड्स बाइसिकल और ये शो करता है एबिलिटी, तो क्या होगा? सिंपल सा आंसर होगा ही कैन राइड अ बाइसिकल। आप ही कैन राइड अ बाइसिकल, कैन यू राइड अ बाइसिकल। देखिए साइकिलिंग कितनी अच्छी चीज है। इवन गाइज आई डू साइकिलिंग, ही कैन राइड अ बाइसिकल। इसी को आप दो तीन बार बोल के प्रैक्टिस कर लो बेटे। कैन यू राइड अ बाइसिकल लाइक दिस बॉय, आई लाइक साइकिलिंग वेरी मच, आई कैन राइड अ बाइसिकल, आई कैन राइड बाइक, आई कैन राइड फोर व्हीलर राइड। तो आई लव साइकिलिंग वेरी मच, फ्रैंकल इज स्पीकिंग गाइज। ओके तो देखिए क्वेश्चन है, ऐसे ही सेंटेंस को बना के जब आप बोलेंगे पढ़ेंगे, चीजें सिंपल भी हैं, आपके हाईकोर्ट में मॉडल्स दिया भी है। आप समझते हैं कैन का मतलब होता है एबिलिटी। कैन यू डू, कैन यू सिंग, कैन यू डांस, कैन यू ट्राई, कैन यू क्राई, कैन यू पास एन आई एस एग्जाम, यस आई कैन। कैन यू सिंग लाइक लता मंगेशकर, इफ आई कैन। आई ट्राई, इफ आई ट्राई आई कैन। ठीक है, बोल प्रैक्टिस करिए। एक कम से कम पांच सेंटेंस बेटे लिख के भेजो फटाफट। कैन से कैन यू हेल्प मी, कैन यू सिंग, कैन यू डांस, कैन यू ट्राई, कैन यू फ्राई, व्हाटएवर राइट, कम ऑन। अगला क्वेश्चन है बेटे, पेटर डजंट स्मोक ही, क्वेश्चन टैग आपको बता। क्वेश्चन टैग क्या होता है बेटे? तो क्वेश्चन टैग को समझ बहुत आसान होता है। जैसे मैंने कहा कि ही इज अ गुड बॉय, ठीक है, ही इज अ गुड बॉय। मैंने कहा वह अच्छा लड़का है या नहीं, तो अब ध्यान देना, अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है, अगर सेंटेंस बेटा पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। मैंने कहा ही इज अ गुड बॉय, तब मैंने क्या कहा, क्या कहा मैंने, इजेंट ही, इसका अर्थ क्या होता है, क्या वह नहीं है। जैसे मैंने कहा भाटी भागवत सिंह इज अ गुड बॉय, भाटी भागवत सिंह बहुत अच्छा लगा है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों में उत्तर मैं आपसे चाहता हूं और उत्तर भी क्या चाहता हूं, वो क्या चाहता हूं अपने फेवर में, कि आप बोलो यस ही इज, यस ही इज। तो अब देखिए ये क्या था, पॉजिटिव सेंटेंस था तो क्वेश्चन टैग क्या बन गया, नेगेटिव हो गया। अब अगर मैंने कहा कि मान लीजिए किसी बच्चे का नाम हमने लिख दिया कि मीना है ना, वर्क्स हार्ड मीना, वर्क्स हार्ड, मीना मेहनत करती है, तो है ना, अगर मैंने ये कह दिया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव क्या हो जाएगा, डजेंट, अब मीना है ना तो मैंने क्या कर दिया, डजेंट सी, क्या वह मेहनत नहीं करती है, डजेंट सी। पर मैं चाहता हूं कि आप कहो कि हाँ वो बच्ची मेहनत करती है ना, वो बहुत मेहनत करती है राइट। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन, अब नेगेटिव अगर आपने बना दिया, नेगेटिव अगर क्वेश्चन है तो वो किस में जाएगा, पॉजिटिव में। जैसे मैंने लिख दिया कि कोई भी चीज हो, मान लीजिए हमने लिख दिया रेखा मीना, ठीक है, मैंने लिख दिया रेखा मीना एक बच्ची क्लास लेती है, रेखा मीना है ना डज नॉट अटेंड क्लास डेली, अटेंड क्लास डेली। तो बेटा आराम से इसको पढ़ लेना, रेखा मीना डज नॉट अटेंड क्लास डेली, वो बच्ची रोज क्लास नहीं ले पाती है कोई प्रॉब्लम की वजह से, कभी बीमारी, कभी कोई प्रॉब्लम, कोई फैमिली प्रॉब्लम, कभी मोबाइल का नेटवर्क इशू, कोई भी। तो आप देखिए इसमें क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, अब देखो बेटा सेंटेंस क्या, रेखा मीना राइड है ना डज नॉट अटेंड है ना क्लास डेली। तो हम इसको किस में ले आएंगे बेटा, ये पॉजिटिव में ले आएंगे, तब मैं पूछूंगा कि डज सी, वो क्लास रोज नहीं लेती है, क्या लेती है, हाँ सर सही, नहीं लेती है रोज क्लास, उसकी अपनी समस्याएं हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं। बेटे समझ में आ गया राइट। अब किसी ने कहा राय सर डज नॉट टीच वेल, राय सर अच्छा नहीं, मान लीजिए किसी बच्चे ने कहा कि राय सर है ना किसी बच्चे को नहीं समझना, डज नॉट है ना बेटे टीच वेल, बता बेटे इसका क्या होगा, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, क्या हो जाएगा बेटे, क्वेश्चन टैग बहुत आसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डज ही, क्या वो पढ़ाते हैं,
इसका मतलब सही से नहीं पढ़ाते, ठीक है। एक बेटा अपना एग्जाम्पल आप सेंड करो, एक एग्जाम्पल अपना बना बेटे, अपना एग्जाम्पल सेंड करो, तो क्या होगा हमें यह समझ आ जाएगा कि आप वास्तव में। तब बताओ बेटे इसमें आंसर क्या होगा कि पेटर डजंट स्मोक, पेटर स्मोकिंग नहीं करता है, तो देखो क्या होगा यहां पे बेटे, तो क्या हो जाएगा डज ही, तो यहां क्या हो जाएगा डज ही। अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में जाएगा, और क्वेश्चन अगर सेंटेंस अगर पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में, और क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन है वो किस में है नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में जाएगा, इधर पॉजिटिव में है तो उधर नेगेटिव जाएगा। बेटे एग्जांपल आप अपना दे दो मुझे प्यारे बच्चों, देखो ये है ना, क्वेश्चन इज एक्सप्रेस्ड बाय डज, पेटर डजंट स्मोक, डज ही। अब देख लो ये कि स्मोकिंग का आपका इमेज भी है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, राइट, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा कि यू हैव, वेल यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। देखिए आपके हाई कोर्ट के एग्जाम में आप मॉडल्स पूछा जाता है, मैं मॉडल्स पढ़ाऊंगा भी, एकदम निश्चिंत रहिएगा, बहुत मजा आएगा, सीखेंगे भी बहुत कुछ सीखेंगे, और मॉडल पढ़ने के बाद आपको ये विश्वास हो जाएगा कि आई कैन स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, हम बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, राइट। कम ऑन बता दे, यू लीव व्हेन यू हैव फिनिश्ड, ये परमिशन की बात है। मान लीजिए मैंने आपको काम दिया बेटा कि आप क्लास करो, है ना, और आप इस क्लास करने के बाद फिर आप लीव कर सकते हो, तो बताओ क्या होगा भाई इसमें, तो सिंपली एकदम सही आंसर होगा बेटा, एकदम करेक्ट करके बताओ, यू मे लीव व्हेन यू हैव फिनिश्ड वर्क, यू मे लीव व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर एंटायर वर्क। एक एग्जाम्पल आपने दो, मे का प्रयोग जो होता है मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, राइट, तो उसमें क्या होता है, टू गिव आर टू टेक परमिशन, मे आई गो सर, मे आई कम इन सर, राइट, मे आई आस्क यू क्वेश्चन सर, मे आई हेल्प यू सर, मे आई मीट यू सर, मे आई यूज योर सेल फोन सर, मे आई नो अबाउट यू मोर सर, बहुत से बेटे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो चलिए अब देखिए क्या है ना, देखिए एक क्वेश्चन का आंसर है आपका, परमिशन इज एक्सप्रेस बाय मे, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, हिज करेज ओन हिज ऑनर, तो बेटा इसमें ऑनर शब्द क्या है, खूब क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन तो इससे हमेशा पूछता है कि ये दिया गया वाक्य क्या है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, तो ऑनर क्या है बेटा, ये नाउन है ना, आई एम वर्थ, आई वांट ऑनर, यू वांट ऑनर, एवरीवन वांट्स ऑनर, राइट। तो ऑनर क्या है बेटे, ये वर्ड नाउन है। देखिए क्या होता है, आप इस इमेज को देख सकते हो अच्छे से ना बेटे, देखिए सोल्जर क्या होता है, लाइफ ऑनरेबल होती है, हाउ ऑनरेबल यू आर, राइट, टीचिंग इज ऑल्सो एन ऑनरेबल जॉब, ठीक है बेटे, ओके, ठीक है, कम ऑन। तो ऑनर क्या है, ऑनरेबल क्या है बेटे, ये आपका वर्ड क्या है, नाउन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बेटे बढ़े हम लोग, देखो विच सेंटेंस हैज अ ट्रांजिटिव वर्ब, इसमें कौन सा सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब में है, बताइए, कम ऑन एवरीबॉडी, ही वॉज लुकिंग एट मी, डोंट इंटरफियर इन द क्वेश्चन, ही हैज गॉन टू पटना, ही ट्रीटेड हर बैडली, तो ये आपका क्या है, ट्रांजिटिव है, राइट, क्योंकि इसमें एक्शन पास ओवर, और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होता है बेटे, ट्रांजिटिव जब कर्ता के द्वारा किया गया ऑब्जेक्ट को प्रभावित करता है, जैसे कि द मदर स्लैप्ड द चाइल्ड, बच्चा प्रभावित हुआ ना, बड़ा अच्छे से घूम गया चारों तरफ, तो मदर की एनर्जी बच्चे में ट्रांसफर हुई, ठीक है। गेटिंग द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, द ड्राइवर द स्टॉप द ट्रेन, मतलब ट्रेन को रोका, तो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है, किसी के ऊपर प्रभाव पड़ता ही नहीं, चाहे चिड़िया उड़े चाहे ना उड़े, देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी है ट्रांजिटिव वर्ब्स के, और आप अच्छे तरीके से इसको समझ भी सकते हैं, ठीक बेटे। चलिए तो देखते हैं एक आप क्वेश्चन बेटे और है, आगे बढ़ के तुरंत हम लोग देख लेते हैं आराम से, वेट अ मिनट, ठीक। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी है कि आपको टेंस बताना है, कितना सरल है, देखिए टेंस है भी, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, ही तो क्या हो जाएगा बेटे, ये प्रेजेंट सिंपल है, एकदम से एकदम सरल क्वेश्चन है, क्योंकि सरल भी क्वेश्चन तो आते हैं, राइट। अब देख लीजिए गाइस, तो वेट अ मिनट प्लीज, ठीक बेटे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है बेटे, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं तो समझ में आएगा, नहीं बहुत छोटा हो जाएगा। अब बताओ आई एट माई फूड, कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई,
और सिचुएशन भी कितना अच्छा है देख लीजिए आप, सारे आइटम है, किसी भूख लगी है तो वो भी मैनेज कर सकता है। I ate my food, ये कौन सा टेंस है बेटे? पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, तो देख लीजिए क्या है, एट है, तो पास्ट सिंपल है, ठीक है, आप कोई भी आइटम लेके खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है पांडे जी, कुछ भी ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ये हो गया आपका। द टेंस किसमें है? पास्ट टेंस में है। अब देखिए, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रही हूं या पढ़ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, कौन सा टेंस है, इससे सरल क्या हो सकता है, देखिए है ना, आई एम रीडिंग अ बुक, डोंट सी मी, आई एम रीडिंग अ बुक, बताओ बेटे क्या होगा क्वेश्चन, तो सही आंसर क्या होगा बेटे, अरे भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है। थैंक जरूर बोलिएगा, थैंक यू वेरी एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विद मी, राइट, अगर कुछ बेटे अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, साथ में बेटे अपने कमेंट को जरूर शेयर करना, आई विल बी वेटिंग योर कमेंट, कम से कम 10 सेंटेंस बना के अपने सेंड करिएगा, थैंक यू, जय हिंद।